अलीगढ़ से निकले, और अगर ये वजह से ये निर्णय लिया गया अगर किसी वजह से, तो अलीगढ़ की सीट खतरे में पड़ जाएगी। आज पब्लिक जो है सलमान शाहिद के साथ है, वो किसी और को देखना नहीं चाहती। इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे घमासान भी बढ़ता जा रहा है। अलीगढ़ 75 विधानसभा कोयल के टिकट को लेकर भी ये घमासान चल रहा था। टिकट बंटवारे को लेकर काफ़ी पार्टी कंफ्यूज दिखी। पहले टिकट सलमान शाहिद को दिया गया था और उसके बाद टिकट अज्जू इसहाक को दे दिया गया था, लेकिन घमासान ये चल रहा था कि आखिर फाइनल टिकट किसको मिलेगा, यानी कि बी फॉर्म किसको मिलेगा। तो आज आलाकमान समाजवादी पार्टी ने अज्जू इसहाक को बी फॉर्म देकर इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर दिया है, यानी कि 75 कोल विधानसभा से अब प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के अज्जू इसहाक होंगे। इससे पहले सलमान शाहिद को टिकट दे दिया गया था और बी फॉर्म भी उनको मिलना तय था, लेकिन अचानक पार्टी में क्या हुआ, अचानक पार्टी में कैसे फूट पड़ी और बात लखनऊ तक पहुंची और लखनऊ के आला कमान ने अपने उस फैसले को बदल दिया। खासा भीड़ ने विरोध प्रदर्शन करे, जहां ज़मीरुल्लाह के लिए भी लोग मांग कर रहे थे ज़मीरुल्लाह को टिकट मिले, वहीं सलमान शाहिद को जब भी फॉर्म नहीं मिला तो उनके समर्थक भी सड़कों पर उतरे और पार्टी से ये गुहार लगाई कि सलमान शाहिद को भी फॉर्म दिया जाए और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कोल से सलमान शाहिद को बनाया जाए। फाइनल अपडेट यही है कि अब अज्जू इसहाक कोल से और ज़फ़र आलम अलीगढ़ शहर से प्रत्याशी होंगे समाजवादी पार्टी के। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल भी उठता है, अगर सलमान शाहिद को टिकट नहीं देना था तो फिर सलमान शाहिद को पहले टिकट क्यों दिया गया, और अगर अज्जू इसहाक को ही टिकट देना था तो पहले अज्जू इसहाक को क्यों नहीं चुना गया, क्योंकि समर्थक हैं, समर्थक दोनों ही तरफ के, बल्कि तीनों ही तरफ के समर्थक हैं, और इस रवैये से पार्टी के समर्थक खासी नाराज़ हैं। शाहिद के साथ है, वो किसी और को देखना नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि अखिलेश जी के हाथ मजबूत हों और वो कामयाबी की तरफ बढ़ें।